कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ उचित मूल्य दुकान के चावल की कालाबाजारी करने पर 4 आरोपियों को जेल पहुंचाया है। इंदौर जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन का अवैध कारोबार और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उचित मूल्य दुकान के चावल की कालाबाजारी में संलिप्त 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के नाम सतीश अग्रवाल, रामजी प्रसाद गुप्ता, सक्षम अग्रवाल और अंकित तिवारी बताए जा रहे हैं। इनमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया है। फरार आरोपी अंकित तिवारी की तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।